صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم۔ حضرات، میں سب سے پہلے ایک مطلب دو تین شعر نعت پاک کے حاضر کر رہا ہوں، آپ کی مرضی، آپ جیسے سنیں، بول کر سنیں یا خاموشی سے سنیں۔ مطلب میں پڑھ رہا ہوں، بطور خاص ملاحظہ فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، کچھ نہیں مانگتا، مانگتا کچھ نہیں مانگتا، شاہ یہ شیدا تیرا کچھ نہیں کچھ نہیں مانگتا کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا کچھ نہیں مانگتا کچھ نہیں کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا اس کی دولت ہے اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا اس کی دولت ہے اللہ اکبر اس کی دولت ہے۔ اور ایک شعر پڑھ رہا ہوں، دیکھتے ہیں آپ ذرا کیسے سوال کرتے ہیں۔ ملاحظہ فرمانا، تمام حضرات کی شرکت چاہتا ہوں کہ پورے قد سے میں کھڑا ہوں تو یہ تیرا کروں، پورے قد سے میں پورے قد سے پورے قد سے میں کھڑا ہوں تو یہ تیرا کروں، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، سبحان اللہ، مجھ کو جھکنے نہیں
देता है सारा तेरा मुझको झुकने नहीं। और खतीब आज़म हिंदुस्तान अल्लामा क़ारी असलम इनायत साहब के हवाले से शेर दस्तगीरी मेरी तन्हाई की या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह दस्तगीरी मेरी तन्हाई की तूने ही तो की दस्तगीरी दस्तगीरी मेरी तन्हाई की तूने ही तो की मैं तो मर जाता अगर साथ न होता तेरा। मैं तो मर जाता मैं तो मर जाता अगर साथ न होता तेरा। और बहुत ही खूबसूरत शेर भाई लो कहते के साया तेरे पैकर कन था اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام نبی افضل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چار مصرے میں حاضر کر رہا ہوں سیدہ کے حوالے سے مدد خان شکریہ مولا سوال میں چار مصرے حاضر کر رہا ہوں بطور خاص آپ تمام حضرات کی نظر کر رہا ہوں دیکھیں ارشاد جی उतर है ये वो दर है जहाँ किरदार संवर सकता है ये वो दर है
ये बुद्ध है जहाँ किरदार सवर सकता है और कब्र में चैन से हर लम्हा गुजर सकता है और कब्र में चैन से हर लम्हा गुजर सकता है कि फातिमा ज़हरा फातिमा ज़हरा तेरे घर में इजाजत के बगैर फातिमा ज़हरा तेरे घर में इजाजत के बगैर मलकुल मौत भी आ जाए तो मर सकता है। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है सज्जाद कलकत्तवी। बहुत अच्छे, बहुत बहुत बहुत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वो दर है जहाँ किरदार संवर सकता है और कब्र में चैन से हर लम्हा गुजर सकता है। फातिमा फातिमा ज़हरा तेरे घर में इजाजत के बगैर मलकुल मौत भी आ जाए तो मर सकता है। मलकुल मौत भी आ जाए तो मर सकता है। ये वो दर बहुत सारे कलाम हैं, मैं कुछ शेर पढ़ता हूँ उसके बाद इंशाल्लाह फिर मैं मतलब हाजिर कर रहा हूँ। बतौर खास मुलाहिज़ा फरमाएंगे जी जी जी। मौला की बरकत है, मतलब मुलाहिज़ा फरमाएं दुआ के साथ। इरशाद लगा लगा कर जो कोई है दर का नारा मुस्कुराता है। क्या कहने भाई, क्या कहने भाई। लगा कर जो लगा लगा कर जो कोई है दर का नारा मुस्कुराता है। लगा लगा कर जो कोई है
मुराता सदा उसके मुकद्दर का सितारा मुस्कुराता जश्ने आमदे सरकारे मौलाए कायनात नारे हैदरी। मेरे मौला 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 मेरे मौला किया का महीना आने दो लोगों चाहता हूँ मेरे मौला मौला मेरे मौला किया मत का महीना आने दो बताऊंगा बताऊंगा रजब में कैसे काबा मुस्कुराता रजब में कैसे काबा जमीन करबला क्या कहने भाई करबला करबला जमीन करबला जमीन करबला की खाक है खाके शिफा लोगों जमीन करबला जमीन करबला की खाक है खाके शिफा लोगों लगाने इसको तो अंधा मुस्कुरा इसको तो अंधा बहुत ही प्यारा शेर शेर बतौर खास मुलाजा इरशाद माशाल्लाह आले हजरत तशरीफ रखते हैं वहाँ तरकश लिए तू रो रहा है उर्मलारन पर गोद में सरेवर का बच्चा मुस्कुराता है पर गोद में सरेवर का बच्चा मुस्कुराता इरशाद दुआए दीजिए उस शख्स के माँ की
शराफत को दुआएं दीजिए उस शख्स के माँ की शराफत को शराफत को अली का जिक्र सुन कर जिस का चेहरा मुस्कुराता है अली का जिक्र बहुत अच्छा बहुत सुभान अल्लाह अल्लाह ला अकबर या रसूल अल्लाह याली लगा कर जो कोई है बयां इस वास्ते हम अजमत हसनैन करते हैं बयां इस वास्ते हम अजमत हसनैन करते नवासों की फजीलत सुन के नाना मुस्कुराता नवासों की फजीलत सुन के नाना मुस्कुराता है नवासों की फजीलत सुन के नाना मुस्कुराता है माशाअल्लाह सुभानअल्लाह शहर कलकत्ता से तशरीफ लाने वाला मद्दाह हबीबे किबरिया जनाब सज्जाद वारसी कलकत्तवी साहब ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में नातो मनाकिब के अशआर पेश फरमाए और हम और आप तमाद कर रहे थे जिसके भी दिल में उल्फत इब्ने अली नहीं जिसके भी दिल में उल्फत इब्ने अली नहीं अल्लाह की कसम वो बशर जन्नती नहीं जिक्रे मौलाए कायनात कहीं हो रहा है क्या पानी में मछलियां हैं मगर तैरती नहीं जिक्रे मौलाए कायनात कहीं हो रहा है क्या पानी में मछलियां हैं मगर तैरती नहीं पानी में मछलियां हैं मगर तैरती नहीं सुहेल साहब दाद जब मिलती नहीं दाद जब मिलती नहीं सज्जाद शेरों पर तुम्हें ऐसा लगता है तेरा शेर जापानी में है क्या मिलेगा इन्हें फाइव स्टार होटल में जनाब जितनी लज्जत मिदहते हैदर की बिरयानी में है क्या मिलेगा इन्हें फाइव स्टार होटल में जनाब जितनी लज्जत मिदहते हैदर की बिरयानी में है मधे हैदर न सुना दूं तो लिफाफा वापस सोई महफिल न जगा दूं तो लिफाफा वापस ओढ़कर सोए हुए हैं जो बुग़्ज़े अली की चादर उनकी नींदे ना उड़ा दूं तो लिफाफा वापस उनकी नींदे ना उड़ा दूं तो लिफाफा वापस जरा एक माहौल पैदा कीजिए दोनों हाथों को बुलंद कीजिए मोहब्बत से बोल दीजिए या अली पूरा मजमा दोनों हाथों को बुलंद करे मोहब्बत से बोल दीजिए या अली दोनों हाथों को फैलाइए मोहब्बत से बोल दीजिए या अली दो कटे हाथों की रमजान ये फनकारी है
उलमाए इकराम की भी हुदूस तवज्जो, दो कटे हाथों की रमजान ये फनकारी है, 1400 साल से दरियाए अता जारी है और दरे अब्बास से मिलता है बराबर सबको, वो नहीं देखते कि सैयद है कि अंसारी है, दरे अब्बास से मिलता है बराबर सबको, दरे अब्बास से मिलता है बराबर सबको, वो नहीं देखते कि सैयद है कि अंसारी है। मेरे उस्ताद मोहतरम का हुक्म है एक अशआर पढ़ने का कि या अली कहे के जो इमलियां मुंह में रखी वो मजा देने लगी हमको दशहरी आम का, दुश्मने हैदर के सर का दर्द जा सकता नहीं, कारखाना वो लगा ले चाहे झंडू बाम का, दुश्मने हैदर के सर का दर्द जा सकता नहीं, कारखाना वो लगा ले चाहे झंडू बाम का। मैंने कहा था एक माहौल पैदा कीजिए, दोनों हाथों को बुलंद करें, मोहब्बत से बोलते या अली, मैं इनसे नहीं करा किसी पे, आप लोगों से करा, बुलंद करिए मोहब्बत से बोल दीजिए या अली या अली या अली। जिनको अली के दर से अकीदा नहीं मिला, मुल्ला मिले पर उसे मौला नहीं मिला, काफिर बता रहे हैं जो हैदर के बाप को, खुद जिनको अपने बाप का शजरा नहीं मिला, काफिर बता रहे हैं जो हैदर के बाप को, खुद जिनको अपने बाप का शजरा नहीं हुआ, खुद जिनको अपने बाप का शजरा नहीं मिला। और अल्लामा सैयद शजर अली मकनपुरी कहते हैं कि करबला जाएंगे बेखौफो खतर जाएंगे, राह दुश्वार हो जाने की मगर जाएंगे, रास्ता रोक ना पाओगे बिछा कर बारूद, करबला फिक्र में रखेंगे और गुजर जाएंगे। और वो कोई और नहीं नस्ले अबू तालिब थी, वहाँ जंग में आए हैं तो जीत के ही खड़ जाएंगे, वो कोई और नहीं नस्ले अबू तालिब थी, वहाँ जंग में आए हैं तो जीत के ही घर जाएंगे, कश्तिये नूह में सवार हो घबराते क्यों हो, कश्तिये नूह में सवार हो घबराते क्यों हो, करबला आने दो हम खुद ही उतर जाएंगे, और हम तो निकले ही हैं मक्तल को सजाने के लिए, तुम समझते हो कि हम मौत से डर जाएंगे, हर घड़ी नारे हैदर तुम लगाते रहियो, कुछ तो ऐसे हैं जो नारों से ही मर जाएंगे, हर घड़ी नारे हैदर तुम लगाते रहियो, कुछ तो ऐसे हैं जो नारों से ही मर जाएंगे, करबला जाएंगे बेखौफो खतर जाएंगे, राह दुश्वार हो जाने की मगर जाएंगे, करबला जाएंगे बेखौफो खतर जाएंगे, राह दुश्वार हो जाने की मगर जाएंगे, राह दुश्वार हो जाने की मगर जाएंगे, वो कोई और नहीं नस्ले अबू तालिब की, वहाँ जंग में आए हैं तो जीतते ही घर जाएंगे, कश्तिये नूह में सवार हो घबराते क्यों हो, करबला आने दो हम खुद ही उतर जाएंगे, हर घड़ी नारे हैदर तुम लगाते रहियो, कुछ तो ऐसे हैं जो नारों से ही मर जाएंगे, और जो बका करते हैं मिंबर से खिलाफे मौला, एक दिन खींच लो वो खुद ही सुधर जाएंगे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजाने सरकार मौला अबू तालिब, ईमाने अबू तालिब, नस्लके इमाम आजम, नारे हैदरी, नारे हैदरी, या अली। आला है कौन कौन, आली है कौन कौन, हैदर के दर का देख सवाली है कौन कौन, नारा लगा के देख तू हैदर के नाम का, चेहरे बताएंगे के हलाली है कौन कौन, चेहरे बताएंगे के हलाली है कौन कौन। अब आइए हजरात, ना तो मनकबत ना तो मनाकिब की दुनिया से कदम को उठाकर खिताबत की दुनिया में कदम रखते हुए खतीब अहले सुन्नत, खतीब अहले सुन्नत, खतीब अहले बैत, असीरे मौलाए कायनात हजरतुल अल्लाम
मोहम्मद असलम मीनाई साहब कलकत्तवी से मैं इल्तिमास हूँ कि हजरत कुर्सी खिताबत को जीनत बख्शे और अपनी नूरानी इरफानी जीलानी हक्कानी बयानात से हम तमाम तर हजरात के गुलूब को मुनव्वर और मुजल्ला फरमाए। आइए हजरत का इस्तकबाल नारे तकबीर और नारे रिसालत से कर लिया जाए। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। नारे हैदरी, या अली। मसलक समझ में आए तो फिर खुल के बात हो। हम तो अली के साथ हैं, तुम किसके साथ हो।